जी, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आएंगे, तो ये रहा छोटा सा कॉरिडोर आप कह लें या पैसेज कह लें। उसके बाद ये आता है हमारा रूम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे माजरा चाहूँगी कि रूम जो है वो थोड़ा मैसी है, क्योंकि हम ये कमरा छोड़ रहे हैं। जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने बताया था कि इमरजेंसी में हमें एक रात के लिए रूम लेना पड़ा, तो इसलिए जब आए थे उस वक्त तो बहुत थके हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लाइट में भी लेट और ये सब कुछ एयरपोर्ट्स के चक्कर, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो आते साथ ही सो गए। अब कमरा छोड़ने लगे हैं, सामान ऑलमोस्ट मैंने पैक कर लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए छोटा सा व्लॉग बना दूँ। तो ये रहे हमारे बैग, ऑलमोस्ट ये पैक हो चुके हैं। और ये हमारा बेड था, डबल बेड, मतलब सिंगल बेड को जोड़ के ही डबल बेड बना दिया गया। इसके साथ इन्होंने हमें प्रोवाइड किए थे 2 टॉवल्स, बाथ टॉवल और 2 टॉवल्स फेस टॉवल। और अगर रूम की बात करें, ये छोटी सी सीनरी लगी हुई है, एसी है छोटा सा, लेकिन इसने भी समझें कि मज़ा करवा दिया था, बहुत ज़बरदस्त एसी काम कर रहा था, या शायद हम थके हुए थे, बहुत अच्छे से नींद आई अल्हम्दुलिल्लाह। और कमरे की अगर बात करें तो ये देखिए कमरा, ये हमारा पूरा कमरा है। मैं बिल्कुल इस वक्त मेन डोर के पास खड़ी हूँ और ये रूम है, इतना है। और ये छोटा सा टेबल दिया हुआ है, इसके साथ चेयर है, स्टडी टेबल आप समझ लें या मेकअप के लिए आप समझ लें, जैसा भी। तो ये रही मैं, और ये सामने शीशा लगाया हुआ है मेकअप वेकअप करने के लिए, इस पर भी कुछ चीज़ें वगैरह बिखरी हुई हैं। और ये है छोटी सी मिनी बार, जिसको आप मतलब फ्रिज कह लें छोटा सा। और ये केबिन बनाए हुए हैं बैग वगैरह रखने के लिए, शूज़ रखने के लिए, और ये ऊपर केबिन बनाया हुआ है, इस पर भी हमारी फाइल्स वगैरह खुली हुई हैं। और कुछ जो हमारे होटल की बुकिंग्स वगैरह, अब हम उसके बारे में, हस्बैंड बात कर रहे हैं रिसेप्शन से, बस कुछ ही देर में होटल हम छोड़ने वाले हैं। और इसके साथ कमरे में दिया गया है टीवी, उसके साथ है ये छोटी सी अलमीरा, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए इसमें अभी मेरा दुपट्टा लटक रहा है और हस्बैंड का कोट है ये। ये देखिए पूरी अलमीरा, ये इस साइज है पूरी अलमीरा का। और ये नीचे भी इसके केबन है, आप इसमें बैग वगैरह रख सकते हैं। और ये छोटी सी को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें कोई व्यू नहीं है। और अगर बात करें वॉशरूम की, तो वॉशरूम भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। देखिए साफ़ सुथरा सा वॉशरूम है, अभी अभी हमने यहाँ पर बाथ लिया है। और ये छोटा सा खूबसूरत सा लकड़ी का बना हुआ लैंप है। और ये सी बेड की जो है क्राउन की सीलिंग है। और ये इन्होंने हमें दिया था पानी की बोतल, तो पानी की बोतल देखने में तो थोड़ी ज़रा खौफनाक ही लग रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं ये मुस्लिम मुल्क है, तो आपको माले में या किसी भी पब्लिक बीच पे ड्रिंक वगैरह की परमिशन नहीं है, और ये ड्रिंक की बोतल है भी नहीं, ये पानी की ही बोतल है। चलो ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो अल्लाह करे। और उसके साथ ये है इंटरकॉम आप कह लें या फ़ोन कह लें, ये रिसेप्शन पे आपको कॉल मिलाने के लिए कि अगर आपको कमरे में कोई टी कॉफ़ी वगैरह या कोई ब्रेकफास्ट चाहिए। हाँ, अगर बात की है ब्रेकफास्ट की, तो हमारे इस वन नाइट स्टे में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था, लेकिन बुफे नहीं था, वो ब्रेकफास्ट इन बेड, मतलब के साथ में ही बिल्कुल छोटा सा रेस्टोरेंट है, इन्हीं का है, या वैसे इन्होंने उनसे कोई बात की हुई है, तो उस रेस्टोरेंट में जाके हमने नाश्ता किया था। वो भी मैं वीडियो डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि नाश्ते में क्या कुछ था। और उसके साथ एक मज़े की चीज़, जब भी किसी बाहर मुल्क में जाती हैं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और सोचती हूँ कि अपने पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं, वो ये कि ये देखिए अभी बिल्कुल अंधेरा है, अभी मैंने यहाँ स्टेप रखा तो लाइट चल गई। ये सारी ऑटो होती हैं, जब जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ पे आप आ रहे हो, तो ये सेंसर कर लेती हैं और फिर फ़ौरन लाइट चला देती हैं। जब आप वहाँ से चले जाते हैं तो फिर ये सेंसर कर लेती हैं कि अब यहाँ पे कोई नहीं, इसी तरह लाइट जो है वो ऑफ़ हो जाएंगी। ये देखिए अब मैं यहाँ दूसरे स्टेप्स पे आई तो लाइट ऑन हो गई। तो
साथियों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो आपको पता ही है क्या करना है। जी हाँ, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।